से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां स्कूल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। सेंट थॉमस स्कूल में कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्कूल के फादर के बयान पर हंगामा हुआ है, भगवा कपड़ा ना पहनने पर दिया था बयान। तो स्कूल के फादर के बयान के बाद यह हंगामा हुआ है और यह तस्वीरें भी सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। मंदसौर से यह सामने आया है, मामला मंदसौर के सेंट थॉमस स्कूल का है, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा, हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की, और ये सीसीटीवी फुटेज इसके बाद आपके टीवी स्क्रीन पर तोड़फोड़ की तस्वीरें नजर आ रही हैं। दरअसल स्कूल के फादर के बयान को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। नरेंद्र, आखिर ऐसा क्या बयान था कपड़ों को लेकर जिसके बाद हंगामा इतना बरप गया? प्रशांत, मंदसौर के सेंट थॉमस स्कूल का मामला है, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता अपने किसी प्रस्तावित सम्मेलन को लेकर के वहां के फादर के पास गए थे और उन्होंने कहा कि हमारा जो एबीवीपी का सम्मेलन है उसमें आपके यहाँ से भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो उन्होंने, फादर ने कहा कि हमारे यहाँ केवल स्कूल यूनिफॉर्म अलाउ है, बाकी कोई भी अन्य भगवा वस्त्र और ये अलाउ नहीं है। अगर कोई फादर या पेरेंट्स अपने बच्चों को अनुमति देता है तो उनके घर से वो किसी कार्यक्रम में जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सेंट थॉमस स्कूल से कोई भी बच्चा भगवा या अन्य वस्त्र में नहीं जाएगा एबीवीपी के कार्यक्रम में। इसी बात को लेकर के उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई, कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता और वहां पर कुछ संख्या में पहुंच गए और हंगामा करने लगे और तोड़फोड़ हो गई। तो तोड़फोड़ और सीसीटीवी की विजुअल आप देख सकते हैं किस तरह से हंगामा वहां पर हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची थी और उन्होंने मामला शांत कराया। एक आवेदन सेंट थॉमस स्कूल की ओर से यहाँ के नयाबंद थाने में दिया गया है, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। जी नरेंद्र, एबीवीपी के कार्यक्रम से शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी स्कूल के पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों को लेकर दबाव बनाना, ये इस पर कुछ संज्ञान लिया गया क्या? देखिए, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के मन में ये तो मंशा थी कि जो सेंट थॉमस स्कूल है ईसाई मर्चेंडीज का स्कूल है और यहाँ पर ये बच्चों को एबीवीपी के कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं देते हैं। आमतौर पर जो अन्य विद्यालय होते हैं इसमें एबीवीपी का दखल रहता है, लेकिन अभी तक सेंट थॉमस स्कूल में कोई एबीवीपी का दखल देने को नहीं आया था और इसी मंशा को लेकर के एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और उनकी मंशा थी कि सेंट थॉमस स्कूल से भी कुछ विद्यार्थी एबीवीपी के कार्यक्रम में आए और इसी बात को लेकर के उनके बीच में कहासुनी हुई और मामला यहाँ तक पहुंच गया। जी, कोई एक्शन इस पर लिया गया है जो तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई? मौके पर पुलिस पहुंची थी, सीएसपी सतनाम सिंह भी पहुंचे थे और सेंट थॉमस स्कूल की ओर से एक आवेदन वहां पर दे दिया गया है नयाबादी थाने पर और नाम उसमें अज्ञात लिखा है। अब देखना होगा पुलिस सीसीटीवी फुटेज को संज्ञान में लेकर के किस तरह की इसमें कार्रवाई करती है, कोई एफआईआर होती है या नहीं होती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद।